आपने अपनी कोटी क्यों नहीं पहनी? ये सुबह के 5 बजे उठ गई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और बच्चों को मेरा सलाम। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद और सबका स्वागत। आज मैंने अपनी नमाज पढ़ ली है और मेरी बेटी जो है, आपने देखा होगा, 5 बजे उठ गई थी, खेलने लगी थी, उसके बाद वो अब सो गई है। मैं किचन में आई हूँ दूध उबालने के लिए। मेरा दूध उबल गया है, मेरी बड़ी बेटी भी उठ गई, उसको जो दूध चोकोस दिए हैं, और अब आगे देखिए क्या होता है। आज मैं चने बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए। तो ये मैंने चने कल रात से भिगो के रखे हुए थे और अब मैंने इनको पानी में डाल दिया है, और प्याज, टमाटर और नमक डाल दूंगी। ये डाल दिया हम लोग ने, हो गया हमारा नमक, और फिर ये मिर्ची भी डाल दिए। और ये मेरी बड़ी बेटी है, अपसेट है बेचारी, इनको अकेले कमरे में जो है अच्छा नहीं लगता है मम्मा के बिना। चलिए चलिए, 5 मिनट के लिए सीटी लगा दीजिए, सिर्फ सीटी निकल जाएगी। कुकर खुल गया है, और तो अब इसमें जो है ज़ीरा डाल देंगे भुना पिसा, और थोड़ा सा घी, अच्छे से भून लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर जो हम लोग ने डाले थे बिल्कुल गल गए, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, एकदम पाइपिंग हॉट चने रेडी है। नींबू के साथ खाया जाए तो डिलिशियस। आज से इनकी छुट्टियां शुरू हैं तो इनको घर में अच्छा ही नहीं लग रहा है। अपने बाल बना लेना बिट्टू। तो आपने मेरे सुबह से जो है नौका ले करके रख दिया, देर से कह रही हूँ चलिए चलिए चलिए, नहीं चल रही है। तो आप अकेले कमरे में आ जाती, मैं तो घर ही में थी ना, कहीं बाहर थी क्या? अच्छा हाँ, अभी तो कूड़ा जाने का, कूड़ा फेंकने का सोच रही थी। हाँ मैं सोच रही थी कि मैंने फेंका कहाँ, सोच के रह गई, आपने मना कर दिया। हाँ मैं नहीं करूँगी। क्या नहीं करोगी? मना ही करूंगी। मना ही करोगी? बार जय कुत्ता रहता है और मुझे उससे डर लगता है। कुत्ते से डर लगता है? कुत्ते से कौन डरता है? डरती हूँ मैं। डरती हूँ? अच्छा, और अच्छा हुआ उसकी मम्मी आ जाती है तो उसके, तो वो कुत्ता मम्मी के पीछे हो जाता है ना। अच्छा अच्छा, हम लोग कल भी अच्छे गए थे। अच्छा, मैंने हम लोग को काट लिया था। ये कितना बड़ा दिख रहा है इसके साथ। हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास, लेकिन ये ऑलरेडी टूट चुका है। मुझे लग रहा है उसका वो भी मैंने फेंक दिया उठा के, उसका टूटा हुआ पार्ट। आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं तो आज उसकी प्रिपरेशन करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या हम प्रिपेयर करेंगे। आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, जो मेरा क्राफ्ट बॉक्स नहीं है उसमें से। अभी मैं थोड़ा कमरा साफ कर लूँ फिर उसके बाद, मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, मगर मुझे कमरा भी साफ करना, कर लूँ फिर उसके बाद करनी है। जब तक आप अपनी स्टोरीज पढ़ लीजिए, ठीक है ना? चढ़े हैं और साथ ही साथ मैं अपना कमरा भी साफ करती जा रही हूँ। चलो स्टोरी हो गई है, अब चल के कुरान पढ़ लो जो है। तो चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ झाड़ू पोछा करो। मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं बोल सकती, सफाई कर दूंगी लेकिन झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। क्या सफाई करोगी? कोई भी सफाई करूंगी लेकिन झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। ये देखिए लेट गई सोने के लिए। गया बीबी, सोनू बीबी उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, फिर से करो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अगेन। और बच्चे भी आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सारे खिलौने रख दिए और ये कारपेट बिछा दिया क्योंकि ठंड है, ठंड है आजकल,
साइकिल रख दी है, चलाएंगे आराम से इस एरिया में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह के 9 बज रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है। भूख लग रही है, चाहिए ना दादा? दादा क्या चीज होती है भाई? भाई बाल चाहिए, दूध भी चाहिए। आज हो गया है अगला दिन। असल में कल मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर मैं खाने बनाने बिजी हो गई, उसके बाद मेहमान आ गए, फिर हमारी बातें शुरू हो गईं और उसी में कुछ शूट नहीं किया। एनीवे आप इस व्लॉग में अब आगे देखिए क्या होता है। हाथ में जो पहने हुए हैं उसको वो चूड़ी बोल रही हैं। मैंने सॉरी, रात को मेरी फेवरेट पेस्ट्री खा के सो गई थी तुम तो मैंने खा ली चॉकलेट, मैं तो पेस्ट्री खाऊंगी, रात को मेरी फेवरेट पेस्ट्री खा के सो गई थी तुम। मेरी पेस्ट्री, आपकी पेस्ट्री और मेरी भी पेस्ट्री, ओके ना? आपका पेस्ट्री, मेरे पेस्ट्री। सुबह सुबह पेस्ट्रीज खाई जा रही है। हाँ तो मुझे पेस्ट्री पसंद है। बच्चों को अपना बच्चों केक देने के बाद कॉफ़ी बनाने लगी है अपने लिए। ये वाली कॉफ़ी से मैंने देखा था कहीं कि पेट कम हो जाता है, तो मैं वही बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने नींबू डाला और अब मैं कॉफ़ी डालूंगी। कल मैंने शेरमाल कबाब ऑर्डर करी थी तो वो मेरी बेटी वो खा गरम करके खानी है। शोर भी पता चल रहा है कि प्रॉब्लम सारी साइकिल की है, साइकिल के टायर्स। आप अपना गरम कर लीजिए। मम्मा बेटा बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा क्यों? कल मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिला और हम लोग के रूम का फर्नीचर की टाइप्स बदल गए, बट कहीं और चला गया। क्या हुआ है छुटकी को? पैंट पे क्या लग गया? केक गिरा दिया? पेस्ट्री गिरा दी पैंट पे? वो चप्पल कहाँ है आपकी? मोजा भी नहीं पहना हुआ आपने, ठंडी ठंडी जमीन हो रही है। दूसरा पैंट, दूसरा पैंट। अच्छा अभी बदल रहे हैं, ठीक है ओके। बताइए आप कुछ कर रही थी, आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे भी कल बहुत अच्छा लगा, मजा आया था, मजा आता कोई आता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो उन लोगों के नया फर्नीचर आ गया। मैं इसको चलो चलो आपको मैं चेंज कर लूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने ये चने खाए जो मैंने कल बनाए थे और ये दूध पी रही है अपना खड़ा होके खड़ी होके चने कमरे में। चलिए फिर मैंने छोटी की मदद करी ये चिपकाने में, इसको पेपर कप ऐसे लगेगा। गुड गर्ल, ये वाला लगेगा? नहीं ये वाला तो छोटा हो रहा है, छोटे वाले में लगाइए उसको। यस गुड गर्ल, कोई बात नहीं, हाथ गंदे हो जाएंगे, धुल लेंगे ठीक है। टर्टल ग्रीन कलर का टर्टल। प्रिसी मैम आपने अपनी कोटी क्यों नहीं पहनी? इधर इधर मेहमान आए थे, देर रात में जब गए थे तो सब कुछ ऐसे ही लगा दिया था, तो अब मैं इसको सही करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको प्याली दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि इसके साथ ढक्कन है। फिर उसके बाद ये मैंने चटनी बनाई थी कोकोनट की और ये खीर मैंने ऑर्डर करी थी। ये हरे मटर छील के रखे थे और ये सफ़ेद मटर मैंने भिगो के रखे थे, कल बनाने थे वो नहीं बने,
तो आज मैं बनाऊंगी। और मैंने ये साइड में देख रहे हैं आप, मटर पुलाव अंदर रख रही हूँ और सब्ज़ी बनाई थी आलू की कल। जब भी हम कोई खाना रखें हमेशा उसको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा कीड़ा फ्रिज में आ जाए कुछ पता नहीं रहता है। ये दूध रख दिया भगवान बड़े भगवाने से छोटे भगवाने में कर दिया, और ये मैंने क्लिंग फिल्म इस्तेमाल करी थी ढकने के लिए क्योंकि कोई ढक्कन नहीं मिल रहा था। फिर धनिया जो है वेजिटेबल्स के एरिया में रखा पन्नी में करके। साइड किचन की, अरे फ्रिज की साफ हो गई, सब कुछ मैंने ढक दिया अच्छे से। सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इडली का बैटर मैंने बनाया था कल, वैसे ही रखा हुआ है। थोड़े से कल इडली बनाए थे, थोड़ी सी आज बना लूंगी। और अब मैं चली थोड़ी सी इडली बनाने। चलिए, ये ऑलरेडी एक पैकेट में आती है, इसको सिर्फ पानी में मिक्स करना होता है और आसान होता है इसको बनाना। ये मैंने रवे वाली इडली ली थी, तो असल में मैं सारे बनाने जा रही थी, फिर उसके बाद तो मैंने सारे ही भूल ली। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं इतनी सारी बनाऊंगी कब तक बनेंगी, 15 मिनट हर बैच के लिए लगता है। इसी वजह से फिर मैंने उसको घोल करके फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में ख़राब भी नहीं होगी और थोड़ी थोड़ी बनती भी रहेगी, तो मैं भी बनाने जा रही हूँ। तो ये इसके साँचा है चार, इसके ऊपर तेल थोड़ा सा लगा लेंगे और फिर इसी में ये बैटर डाल देंगे, लगा लेंगे। और ये एक एक साँचे में हम लोग डाल देंगे। साँचे में बैटर डल गया, अब इसको कुकर में डालेंगे। कुकर में थोड़ा ही सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना सही रहेगा। पहले पानी को खौला लेंगे, खौल जाएगा फिर इस साँचे को पानी में ऐसे करके डाल देंगे। और केयरफुल रहिएगा कि साँचे का जो नीचे का पार्ट है वो बस पानी से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। पानी ऑलमोस्ट खौल गया, अब इसी में साँचा डाल देंगे। और बिना सीटी के, सीटी को निकाल के ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक पका लें। मीनवाइल कमरे में देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? डॉक्टर डॉक्टर खेला जा रहा है। ऑपरेशन हो रहा है क्या उनका? ओके, देखो कह रही है दांत में डाला जाता है। क्या हुआ इनको? इसके बर्थडे स्पेक में दर्द दुआ कि इसने जंक फूड खा रहा है। ओहो, ये तो मैंने 20 मिनट के बाद हम कुकर से उसको निकाल लेंगे और फिर छुरी के इस्तेमाल से ऐसे करके इसको लूज कर देंगे। फल लूज हो गया, निकल आएगा और फिर हम इसको पलट के ऐसे करके सर्व कर देंगे। हम चटनी के साथ इसको सर्व कर देंगे। ये मैंने अर्थ डे के लिए बनाया था, नहीं सॉरी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए बनाया था। अर्थ डिफॉरेस्टेशन रोकिए और ये रिवर्स साफ करिए। पीस बर्ड डव मैंने बनाई थी पीस डे के लिए, इंटरनेशनल पीस डे के लिए। ये देखिए हमारे यहाँ ये शरारतें होती रहती हैं, पूरे पाउडर का डिब्बा खाली कर दिया गया इसमें। आपको क्या कहना है बताइए? अजय, अजय, पाउडर क्या किया आपने? थोड़ा मैं। तुम घोड़ा हो? घोड़ा तो नहीं हो, किसके ऊपर बैठी हो? ये बलून के ऊपर।
फूट जाएगा अभी आपके नीचे। मम्मी पैर आगे करिए। क्यों क्यों? मुझे उधर ऐसे उधर आपको थोड़ा सा मिलेगा। इधर जोकर इधर। हेलो जोकर इधर नहीं जोकर अभी गिर जाएगा सबके सर पे। हेलो। और अब हम लोग अपनी चाय ब्रेड टोस्ट के साथ खाने वाले हैं। मैं रो रही थी। क्यों क्यों सब आया क्यों? एक मच्छर था। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रशिंग टेक्निक यानी कि ब्रश किस तरह से किया जाता है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कब ब्रश करना चाहिए और कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए, और आज मैं आपको एक बेसिक जो जिस तरह से ब्रश किया जाता है वो दिखाऊंगी। अक्सर लोग जब ब्रश करते हैं तो अपने ब्रश को दांतों पर इस तरह से ऐसी हरकत से ब्रश करते हैं, तो ये तरीका गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरी ये कि हमारे जो मसूड़ों के नीचे जो गंदगी होती है वो भी नहीं निकल पाती है, और गंदगी को निकालने में भी ये ज़्यादा मुफीद तरीक़ा नहीं है। तो ब्रश करने का सही तरीक़ा क्या है? आप अपने ब्रश को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे, हल्का सा तिरछा रखेंगे और मसूड़ों और दांतों के दरमियान में रखेंगे ताकि जो मसूड़ों के नीचे जो गंदगी है वो भी निकल जाएगी, और फिर आप गोल गोल हरकत से ब्रश करेंगे यूं, और यहाँ पे जो है 10 सेकंड करेंगे तो ये बाहर के दांत हो गए आपके। अब अंदर हम लोग कैसे करेंगे? तो अंदर ऊपर के हिस्से पे हम गोलाई में ऐसे ब्रश को हरकत देते हुए ब्रश करेंगे, फिर अंदर की ओर भी हम वैसे ही हल्का सा तिरछा रख के गोलाई में ब्रश करेंगे, फिर आगे वाले दांतों में हम ऐसे तो ब्रश रख नहीं सकते हैं तो ब्रश को सीधा रखेंगे, सीधा रखते हुए गोलाई में हरकत देते हुए बाहर की ओर निकाल देंगे, और वही चीज नीचे वाले दांतों जो अंदर की ओर होते हैं, ब्रश को सीधा रखा और गोलाई की हरकत में करते हुए बाहर की ओर निकाल दिया। तो ये हो गए हमारे दांत। अब हमें अपनी जबान भी कभी भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि जबान पे भी गंदगी प्लाक जमा होता रहता है, तो हम अपने ब्रश को लेंगे और बस इस हरकत से अपने जबान को भी साफ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रशिंग करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें जब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। मा सलामा।